इसरो ने रिसेंटली एक SSLV रॉकेट लॉन्च किया जिसके ऊपर एक सैटेलाइट था। उस सैटेलाइट में दो पेलोड थे, हमें बताया स्पेक्ट्रम रिलेटेड और एक ह्यूमिडिटी रिलेटेड, पर वो एग्जैक्टली क्या और मेनली कैसे कर रहे हैं वो हमें कुछ भी नहीं पता था। पर रिसेंटली इसरो के सैक एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसमें काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं दोनों पेलोड्स के बारे में। सबसे पहले सैटेलाइट का नाम था EOS-07 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07। ये उनकी नई नेमिंग स्कीम है सैटेलाइट्स के लिए। इसके ओरिजिनल स्कीम के हिसाब से इसका नाम होगा माइक्रोसैट 2B। इसके ऊपर दो पेलोड्स थे, मेनली SMP यानी स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, और दूसरा जो ज्यादा इंटरेस्टिंग पेलोड है वो था मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर यानी MHS। ये उनका डायग्राम है, अगर आप देखो तो ये सैटेलाइट के ऊपर लगे ये जो येलो में है वो SMP है और ये जो ग्रीन में है वो MHS है। MHS में आपको कुछ तो थॉर्नी कांटे लगे ऐसे दिख रहा है देखो पीछे, उसका भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है होने का। एनीवेज उसके बारे में हम एंड में जानेंगे, सबसे पहले हम SMP को देखते हैं। SMP एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर L बैंड और S बैंड सिग्नल डिटेक्ट करने की क्षमता है। L बैंड और S बैंड ये फ्रीक्वेंसी रेंजेस है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं। काफी सारे स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड इंस्ट्रूमेंट S बैंड L बैंड इस्तेमाल करते हैं, जैसे मंगलयान चंद्रयान ये सब S बैंड इस्तेमाल करते हैं। काफी सारे ग्राउंड पे प्लेन्स और रेडार्स वगैरह जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे कम्युनिकेट करते हैं। SMP के तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एयरक्राफ्ट डिटेक्शन। देखो जब एक प्लेन उड़ता है ना तो वो हमेशा बीम करते रहता है एक सिग्नल जिसमें उस प्लेन की वेलोसिटी, ऑल्टीट्यूड, आइडेंटिटी, पोजीशन सब रहता है। ये सिग्नल आप खुद भी डिटेक्ट कर सकते हो। इसे कहते हैं ADS-B यानी ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट। नाम से ही पता चल गया होगा ये एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल है, मतलब इसे कोई डायरेक्शन नहीं है, ये चारों तरफ फैला जाता है। अगर आपको ये डिटेक्ट करना है तो यूट्यूब के ऊपर काफी सारे ट्यूटोरियल्स है जिसमें वो आपको एंटेना बनाना वगैरह सिखाते हैं और ADS-B कैसे रिसीव कर सकते हैं वगैरह वगैरह वो सब। अगर आपने फ्लाइट रेडार जैसे साइट देखी है जिसमें आप लाइव ट्रैक कर सकते हो एयरप्लेन को ऊपर कहां जा रहा है वगैरह, वो इलॉन जेट का वगैरह सब लफड़ा हुआ था वो सब, तो वो सब ADS-B सिग्नल्स की वजह से। फ्लाइट रेडार का मेन सोर्स ही है ADS-B, उसके बजाय भी दूसरे सोर्स है उनके। तो हाँ, SMP का कैपेबिलिटी है कि वो सिग्नल्स को डिटेक्ट और डिकोड दोनों कर सकता है। उन्होंने ये इमेज दिखाया जहाँ एक सैटेलाइट पास में उन्होंने करीब 224 एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किए ADS-B सिग्नल से, और एक और इमेज दिखाया जहाँ पे वो उनका जो डेटा है उन्होंने फ्लाइट रेडार के साथ कोरिलेट करके वेरीफाई किया कि एक्यूरेट है कि नहीं। ये था फर्स्ट, पर इससे और दो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो S बैंड इंटरफेरेंस मॉनिटर कर सकता है। देखो आप अगर एक सोवरेन कंट्री हो तो आपके कंट्री के ऊपर के रेडियो वेव्स पे हक आपका है, आप कैसे यूज करोगे, किसको दोगे यूज करना वगैरह वगैरह। हो क्या सकता है अगर आपकी कंट्री और आपकी नेबरिंग कंट्री दोनों सेम बैंड के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इंटरफियर होने लग सकता है। कभी कभी ऑन पर्पस भी इंटरफेरेंस किया जा सकता है, जैसे वॉर सिनेरियो वगैरह, अगर आपके दुश्मन को आपको जैम करना है सिग्नल या इंटरफेरेंस बढ़ाना है आपके सिग्नल में तो वो हो सकता है। तो उस केस में ये सैटेलाइट वैसा इंटरफेरेंस डिटेक्ट कर सकती है ताकि हम करेक्टिव एक्शंस ले पाए जो भी है, ये जो भी करना है वो। उन्होंने ये इमेज दिखाया इंटरफेरेंस का, बट ऑनेस्टली बोलूं मुझे ये इमेज समझा नहीं देख के। तीसरा और काफी इंटरेस्टिंग इसका ऑब्जेक्टिव था रेडार सिग्नल मॉनिटर करना। तो ग्राउंड रेडार्स जो है उसे मॉनिटर करना, फिर चाहे इंडिया का हो या किसी और देश का। उन्होंने ये इमेज शेयर किया जिससे ज्यादा इन्फो मिल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस ब्लू सर्कल्स को एक लाइन में ड्रॉ किया है। पर उन्होंने एक और चीज मेंशन की कि उन्होंने अपना कैलिब्रेशन या डिटेक्शन वेरिफिकेशन किया एक MOTR से। MOTR मतलब मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार, ऐसा रेडार जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सके। तो इस लाइन में हमें बताया कि एक MOTR है और वो है इसरो का। इसरो शार में एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रेडार है जो इसरो सैटेलाइट्स वगैरह को इस्तेमाल करता है ट्रैक करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। और एक याद रखो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट 2B है या EOS-07 है, एक काइंड ऑफ टेस्ट बेड है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इसके बड़े वर्जन बनेंगे फ्यूचर में जाके, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार मेरे को ये सब। अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे जो है MHS यानी मिलीमीटर वेव साउंडर। नाम से थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा आपको कि ये बेसिकली मिलीमीटर वेव्स इस्तेमाल करके ह्यूमिडिटी डिटेक्ट कर रहा है, बट क्या कर रहा है उससे ज्यादा कैसे कर रहा है उसमें मजा होता है। करेक्ट, देखो ह्यूमिडिटी मतलब क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स हवे में। अगर ज्यादा पानी मॉलिक्यूल्स है तो आप बोलोगे ज्यादा ह्यूमिड है, कम है तो आप बोलोगे कम ह्यूमिड है। ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहे हवे में तो पानी या आपके कपड़े का सूखना टाइम लेता है, आप ज्यादा स्वेट करने लगते हो क्योंकि ऑलरेडी हवा में इतना पानी है तो आपके बॉडी और या आपके क्लोथ्स का पानी इजिली नहीं रिलीज होगा। पर पानी की एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन लाइन। तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स पे 183 गीगाहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी पे माइक्रोवेव्स पास करोगे तो वो माइक्रोवेव एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ा बहुत ही वापस आएगा, मतलब वापस वो कुछ देगा नहीं आपको। और इसे मिलीमीटर वेव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 183 गीगाहर्ट्ज पे अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे या वेवलेंथ मेजर करोगे तो आप देखोगे वेवलेंथ मिलीमीटर्स में। तो आप ये इमेज देख सकते हो, अगर इस इमेज में मैं माइक्रोवेव्स फायर करूं सपोज, ठीक है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे रिसीवर को जो माइक्रोवेव्स वापस रिसीव करेगा
वो बहुत कम होगा। पर अगर इसमें कम हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स तो मेरा रिसीवर ज्यादा माइक्रोवेव, मतलब जो उसने भेजा था उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल उसे वापस मिलेगा। और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया के किस कोने में कितनी ह्यूमिडिटी है। तो आपको अगर गोवा के ऊपर ह्यूमिडिटी देखनी है, आप उसके ऊपर माइक्रोवेव फायर करो और देखो कि कितना वापस आ रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करने का, इसके बजाय भी दूसरे टेक्निक्स है। एंड एक और चीज क्लियर कर दूं, ये आपका किचन वाला माइक्रोवेव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उस किचन वाले माइक्रोवेव में हम उसे वाइब्रेट करने देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, ताकि हीट हो। मैंने ये एक वीडियो में कवर किया है, आपको बॉटम लेफ्ट में जो नंबर आ रहा है उस नंबर को फॉलो करते हो जा सकते हो माइक्रोवेव का अंडरस्टैंडिंग के लिए। पर इसरो वही नहीं रुका, मतलब बस फायर करो और माइक्रोवेव कितना वापस आ रहा है वो देखो। इसरो ये 6 अलग फ्रीक्वेंसीज में मेजर कर रहा है। पर क्यों, सवाल अच्छा है, इतने 6 फ्रीक्वेंसीज में क्यों? देखो एक जनरल रूल ऑफ थंब है, ये हमेशा अप्लाई नहीं हो शायद पर मोस्टली होगा, कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम। अगर आपके पास 5G वगैरह फोन है, आपने देखा होगा 5G में एक पर्टिकुलर बैंड है जिसे कहते हैं मिलीमीटर वेव, जो 1 GB पर सेकंड 2 GB पर सेकंड तक दे सकता है। उसका प्रॉब्लम यह है कि आपका फोन और उस एंटेना में लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए। अगर आपका हाथ भी आ जाता है आपके फोन के एंटेना के सामने तो वो ब्लॉक हो जाएगा और आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी। यही प्रॉब्लम है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। कुछ लोग अफवाह फैलाती कर रही है हाई फ्रीक्वेंसी है बहुत डेंजर, एक्चुअली उल्टा है, डेंजर नहीं है। लो फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ कि हाई फ्रीक्वेंसी डेंजर कोई सेंस नहीं करता। पर इसरो ने इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाया। कैसे? देखो उन्होंने क्या किया, उनका बेस फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्राउंड सरफेस तक जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा दिया तो अभी हमें मेजरमेंट मिलेगा 2 किलोमीटर ऊपर का, सरफेस का नहीं मिलेगा। और थोड़ा बढ़ाओगे तो उसके ऊपर का मिलेगा, और थोड़ा बढ़ाओगे तो उसके ऊपर। ऐसे करके इसरो 12 किलोमीटर तक मेजर करता है, 2-2 किलोमीटर के डिफरेंस है। और उन्हें एक बेसिकली आप बोल सकते हो, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे वो हर 2-2 किलोमीटर का मेजरमेंट था। आप बोल सकते हो कि आप क्यूब बना सकते हो, यानी ये मैप को नीचे ले करके हर प्रेशर लेवल पे कितना ह्यूमिडिटी है वो मेजर कर सकते हो। इससे फिर आपको वेदर फोरकास्टिंग में भी आप यूज कर पाओगे। इस 2 किलोमीटर डिफरेंस को वर्टिकल रेजोल्यूशन कहते हैं वो। ये एक्चुअली ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअली वो सिमिलर है एक प्रीवियस मिशन से, मेघ ट्रॉफिक के, मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते, जो फ्रांस और इसरो ने किया था। उस पे भी एक मिलीमीटर वेव साउंडर था, उस केस में उसका नाम सफीर था, पर वो फ्रांस वालों का था, उन्होंने बनाया था। यहाँ पे काइंड ऑफ अटेम्प्ट हो रहा है इंडिजिनाइज करने उस वैसे इंस्ट्रूमेंट को, ताकि हम भी इसका बड़ा वर्जन बड़ा सैटेलाइट पे फ्लाई कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हो सफीर के इमेजेस है, जो साइक्लोन थेन या थाने, मुझे नहीं पता कैसे है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके इमेजेस लिए उसने अलग अलग हाइट्स पे। बेसिकली जितना रेड उतना ज्यादा हॉट, और हॉट इस केस में लिटरल टेम्परेचर नहीं है, हॉट मतलब ज्यादा पानी है या ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स है या ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है माइक्रोवेव। ऊपर आपने देखा होगा TB ब्रैकेट में K लिखा है, उसका मतलब है ब्राइटनेस टेम्परेचर। तो इस अटेम्प्ट के साथ सफीर का एक इंडिविजुअस काइंड ऑफ टेस्ट हो गया, तो हाँ काफी पोटेंशियल है। तो अभी आते हैं आपके एक क्वेश्चन के ऊपर, जो है ये पॉइंटेड पीछे चीज क्या है। देखो इस चीज को कहते हैं BBT, यानी ब्लैक बॉडी टारगेट। तो अगर आप ये इमेज को वापस देखो तो आपको दिखेगा एक स्पून की तरह कुछ है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्टर है और उसके सामने जो है वो एक फीड हॉर्न है। फीड हॉर्न आपका माइक्रोवेव्स रिलीज करेगा, तो माइक्रोवेव्स आपके रिफ्लेक्टर के ऊपर हिट होके फिर धरती की तरफ जाते हैं। पर अगर आपके इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है तो क्या करोगे, आपको स्पेस में उसका वैल्यू फिक्स करना है, तो आप क्या करोगे, आप ये स्पून को घुमा सकते हो और धरती की जगह वो माइक्रोवेव्स रिफ्लेक्ट होके इस BBT पे गिरेंगे, और इस BBT की ब्राइटनेस जो होगी, जो मैंने आपको रेड वगैरह दिखाया था, वो वेल नोन होगी, फिक्स्ड होगी। तो आप फिर वो इस्तेमाल करके आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कर सकते हो कि ज्यादा या कम एक्यूरेसी वगैरह वो सब फिक्स कर सकते हो। तो ये जो है वो एक BBT है आपके कैलिब्रेशन के लिए। तो आपका कौन सा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था, MHS या SMP? और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा टेक्निकल था बट इसी में तो मजा है, राइट? अगर आप थोड़ा बहुत फाइनेंशियली वेल टू डू और आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो, बस 29 रुपीज से स्टार्ट होता है। आपको डिस्कॉर्ड एक्सेस वगैरह मिलेगा, प्राइवेट सर्वर, हम मंथली कॉल्स वगैरह करते हैं, वॉलपेपर्स वगैरह डालता हूं। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना तो आप बाई मी अ कॉफी पे मेंबर ऑप्शन यूज करना, वहां बाई मी अ बुक वाला मत करना, वो ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते उसमें, और सस्ता भी है बाई मी अ कॉफी पे मेंबरशिप ईयरली लोगे तो। तो हाँ, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू मनोवरण, संदीप, कार्तिका देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, चैतन्य, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, आकाश पटेल, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, विशाल बारोत, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, कृष्ण नायर, निशान प्रजापति, शौनक पेरनी, निसर्ग मानकड़ और मीनाल भोसले।